सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ और ये मेरी सिस्टर है और ये गवाही मेरी सिस्टर की है। आज मैं आपके साथ अपनी बहन की गवाही शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य किया और बड़ी ब्लेसिंग मेरी सिस्टर को, हमारे परिवार को परमेश्वर ने दी। हमने दो सिस्टर्स की मैरिज की थी, तो 5 फरवरी 2022 को मेरी बहन की, दोनों बहनों की मैरिज हुई थी। तो उसके एक मंथ के बाद इसकी प्रेगनेंसी इसको रह गई थी। तो मतलब जब से इसको प्रेगनेंसी रही तभी से इसके ऊपर शैतान का अटैक होना स्टार्ट हो गया था और एक दो महीने तो हमें ऐसे समझ में नहीं आया मतलब ये शैतान का अटैक है या फिर किस वजह से है। तो जैसे शादी के बाद ये रहने के लिए घर आई, तो मतलब जब ही आई तो हम समझ नहीं पाए कि क्या, हमने सोचा कि चल ऐसी आई होगी। तो स्टार्टिंग में इसको मतलब हमने जब देखा तो ना ये कि बेहोश होके गिर गई, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि बीपी ज़्यादा लो हो चुका है, इसकी वजह से इसको ये हुआ है। तो जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने घर पे इंजेक्शन वगैरह दिया तो ये ठीक हो गई आधे घंटे के लिए। तो मतलब कि उसके बाद फिर उसको वही दिक्कत कि बेहोश हो गई और मुंह से जाग निकलने स्टार्ट हो गए, उसको फिर वही दिक्कत हो गई। तो हमने फिर इसके ससुराल वालों को कॉल की, उनको बुलाया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो चुकी है और इसको दिखाना पड़ेगा। तो वो आए, इसकी सास और इसके हस्बैंड आए, उनको भी लगा कि चलो डॉक्टर की प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही देखते रहे। तो जब प्रेगनेंसी रही तो उसके बाद से ही थोड़ा 5 दिन 10 दिन ऐसे ही टपते गए, तो शैतान का अटैक हमें दिखने लगा। कुछ ऐसे ही चांस दिखाई देगी, हाँ कुछ है जो इसे परेशान कर रहा है, ये खुद से ऐसी बातें, ऐसा बिहेव इसका खुद से नहीं है, ये कुछ है जो ये करवा रहा है इससे। तो मतलब कि स्टार्टिंग में इसको कि मुंह से झाग निकलना और चक्कर आना स्टार्ट हो गया था। तो हमने एक दो दिन तो वो देखा, लेकिन जब इसको कुछ कहते थे तो ये भड़क उठती थी, मतलब कि इसके अंदर से ना वो बहुत बुरा बोलती थी, मतलब कि आंखें निकालती थी और हमें ना परेशान थे कि भी ऐसा क्यों कैसे हो रहा है। चिंगार सी जैसे निकालती है वो क्या, इसने सुर मचाया कि मुझे बचा लो। तो वहां से हमें पक्का शो हो गया था कि हाँ कोई शैतान का अटैक है इसके पीछे। तो मतलब कि उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो गया, चक्कर आना और मुंह से झाग निकलना और चीखना बोलना, दूसरे को गुस्से से देखना, परिवार से अच्छे से बिहेव नहीं करना, काम नहीं करना, सर में दर्द होना, टांगों में पीड़ा होना, पूरी बॉडी में दर्द रहने लगा जैसे। तो हम फिर ऐसे ही फिर दोबारा वहीं पर लेके गए, तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे कोई है जो कोई शैतान की कोई औरत वगैरह मरी हुई है जो इसके पीछे लगी हुई है, पर अटैक तभी करे क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, कि बच्चे को लेने आई है, इसे पूरे पूरा दिन पड़े रहना, खाना जब ये खाने लगती थी तो शैतान इतना अटैक कर देता कि ये पीछे गिर जाती थी और इसको 2 घंटे बाद होश आते थे, इसे कुछ पता नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ कैसे बैठा। टाइम इसका प्रेगनेंसी का 4th महीना स्टार्ट हो गया, तो हमें भी रहती थी कि एक तो प्रेगनेंट है ऊपर से इतना अटैक कैसे होगा ये सब। ऐसे हमें ना कोई बता देता कि वहाँ पे जाओ आप, तो हम चले जाते थे, तो हमें एक आशा सी रहती थी कि हाँ चलिए यहाँ से आराम होगा, यहाँ से ये ठीक होगी। हम इसको वहाँ पे लेके गए थे तो ये बेहोशी की हालत में थी, तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि हम एक धागा दे देते हैं, तो ये 2-4 दिन तक मतलब कि ऐसे ही ठीक रही। तो जब हम आए घर पे तो 2-4 दिन रहा तो वो धागा ना ऑटोमेटिकली खुलकर गिर गया, तो इसके फिर वही दोबारा स्टार्ट होना, चिल्लाना बोलना, चीखना, खाना ना, शैतान का अटैक होना, इसे बेहोश कर देना, इसको रुलाना, इसकी पूरी बॉडी में पेन करना, ऐसे फिर स्टार्ट हो गया। उस टाइम भी इसकी यही हालत रहती थी कि शैतान का इतना अटैक था बहुत ज़्यादा कि वही खाने के टाइम इसे गिरा देना, होती थी चिल्लाती थी मतलब कि, तो ये घबराती भी थी कई बार कि मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे का कैसे होगा ये सब, क्योंकि पूरा 2-3 घंटा ये बेहोश रहती थी। उस टाइम जब प्रेगनेंसी में एक लेडीज़ को पूरी खाने पीने की पूरी वो पावरफुल होना चाहिए, उसे उस टाइम ये पूरी कमज़ोर थी, पूरी वीक थी। ऐसा भी टाइम आया कि इसने परिवार वालों को पहचानना ही बंद कर दिया था, ये ससुराल वालों को बोलती थी कि मुझे नहीं पता ये कौन है, पूरी नफरत शैतान ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में करा दी थी। यहाँ तक कि सास ससुर को देखकर भी किसी को भी देखना पसंद नहीं करती थी। तो मतलब जब हम इसको घर लेके आ गए, बल्कि
एक टाइम में मेरी पैसे की इतनी प्रॉब्लम भी आ चुकी थी, क्योंकि जो पैसा घर में बरकत थी वो सारा शैतान की वजह से, कभी यहाँ लेके जाओ कभी वहाँ लेके जाओ, ये ऐसा रहता था। और सारी बार डिप्रेशन में रहते थे, मतलब 7th month का स्टार्ट हो चुका था, तो मैं ऐसे ही प्रॉब्लम की ऐसे कब तक होगा, इतना अटैक हुआ सच में कि ये पूरा पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी और रोती थी कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, क्योंकि शैतान ने इसके दिमाग में एक बात रख दी थी कि जैसे वो बच्चा नहीं है इसके पेट में, वो कोई शैतानी हवा है, तो ये 24 घंटे कभी पापा के कभी मम्मी के तो कभी किसी के पांव पकड़ती रहती थी कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, अगर ये बच्चा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। और जब हस्बैंड से बात करती तो वो कहते कि बच्चा जरूरी है, हमें बच्चा चाहिए, अगर ये बोलती थी कि मेरे हस्बैंड के पास कॉल करके उसे मनाओ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हम सोचते थे कि क्योंकि इसके ऊपर तो शैतान का अटैक था, हमें तो पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके दिमाग में सिर्फ ये शैतान भर रहा है। ऐसा होता था कि पूरा पूरा दिन बेड से चिपकी हुई रोती थी और खाना पीना इसने सब कुछ बंद कर रखा था, बहुत जगह लेकर गए, हमें कोई आराम दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम किसी की बात पर विश्वास नहीं हमें होता था। इसकी वजह से कई बार हमारे घर में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी टेंशन थी ना 24 घंटे, अगर जो हमने एक टाइम का खाना बनाया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उसे खा पाएंगे। जो ये मंजे पे पड़ी है, मतलब की चारपाई पे पड़ी है, तो शैतान इसे खींच कर नीचे गिरा देता था। दिन में हम कह नहीं सकते कि 10 बार 20 बार पता नहीं कितनी बार इसे पेट केवल नीचे गिराता था। ये खाने बैठती थी तो शैतान इसे बेहोश कर देता था और जिससे खा नहीं पाती थी। कई बार ऐसा होता था कि शैतान इसकी आवाज ही बंद कर देता था, कहीं भी लेके जाओ तो 2 दिन आराम होता है, फिर इसकी वही कंडीशन हो जाती, तो हम क्या करें, कहाँ जाए ऐसा। तो ऐसे ही हमारे एक रिश्तेदार ने हमें चंगेरा चर्च के बारे में बताया। हमने सोचा कि सब जगह से तो हमारी ना हो चुकी है और डिलीवरी का टाइम भी पास आता रहा है, ऐसे वो तो क्या करेंगे। हमने सोचा कि चलो लेकर चलते हैं, कुछ तो है जो यहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े छुटकारे को पा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा चेंज, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से यहाँ पर लोग चंगाई पा रहे हैं, कुछ तो है यहाँ। इसे चर्च में लेते गए तो इसमें चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो हमारी उम्मीद बनी कि हाँ शायद ये छुटकारे को पाएगी। एक महीने के अंदर कुछ ऐसा, मतलब कि कभी ऐसा होता था कि एक संडे गए तो अगले संडे जा भी नहीं पाते थे, ऐसा होता था। तो आंटी ने जो वो थी रिश्तेदार, उन्होंने बताया, चर्च का नंबर भी दिया कि प्रार्थना का नंबर ये है, आप वहाँ पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। तो हम ऐसे प्रार्थना भी करवा लेते थे, हम इनको चर्च में ज़बरदस्ती लेके जाते थे क्योंकि शैतान इसे जाने नहीं देता था, कि इसका मुंह पूरी तरह से मुड़ चुका था, तो हम इसको ऐसे ही कुछ भी करके बस ले जाते थे, क्योंकि हमें इसकी लाइफ जो उस छुटकारे को दिलाना था, इतना अरेंजमेंट भी नहीं कर पाए कि हाँ वहाँ तक किराया वगैरह हो सके। तो उन्होंने कहा कि आप लेके जाओ, वो सब कुछ हम करेंगे, गाड़ी वगैरह। तो जब मतलब कि डिलीवरी का टाइम इसके पास आया, मतलब कि पास आता गया डिलीवरी का टाइम, तो मतलब 30 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी हुई थी, तो हम इसको सुबह ही 2:30 बजे, मतलब कि डिलीवरी थी के टाइम भी शैतान का इतना अटैक था कि शैतान इसको वो फील हो रहा था, दिख रहा था कि वो मेरे पेट के ऊपर बैठा है। तो जैसे ही कि इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो रही थी तो इसको पेन होने स्टार्ट हुए, तो शैतान ने बोला कि जो हो जाए मैं डिलीवरी नहीं होने दूंगा। तो मैं इससे परेशान थी, तो मैंने अपने भाई को, भाई इनके साथ हॉस्पिटल में था, मैंने भाई को कॉल की कि डिलीवरी हो चुकी है, तो मुझे उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने देखा कि ये ना चिल्ला रही थी, ये बहुत ज़्यादा जोर जोर से रो रही, चिंगाड़े वो आ रही, क्योंकि वो शैतान का अटैक था इसके ऊपर उस टाइम भी। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने जो हमारी जो रिश्तेदार हैं, जो और बहन भाई है, जो हम चंगेरा चर्च से के मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, तो मैंने सबको कॉल की, तो उनको बोला कि मेरी सिस्टर की डिलीवरी होने वाली है, आप सब प्रार्थना करो। तो मैंने चर्च में भी कॉल की कि मेरी सिस्टर की डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम मैं बहुत घबराई हुई थी, कॉल सेंटर पे कॉल की, तो मैंने बोला सिस्टर ऐसे करके बात है कि मेरी सिस्टर के ऊपर शैतान का अटैक, उसकी डिलीवरी होने जा रही है, आप प्रेयर कर दो। तो उन्होंने प्रेयर की कि आप घबराओ मत, आपकी बहन की नॉर्मल डिलीवरी होगी और बेबी बिल्कुल ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने चर्च से प्रार्थना करवाई, तो 10 मिनट मैंने पूछा अपने भाई से कि भाई डिलीवरी हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि डिलीवरी हो चुकी है और लड़का हुआ है, डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और उस टाइम मतलब मैंने प्रेयर की फिर दोबारा और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सचमुच हम जिस चीज़ को हम सोच नहीं पा रहे थे वो आपने कर दिखाया। हम हैरान थे कि नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा बिल्कुल सही सलामत कैसे हो पाएगा, लेकिन उस मसीह के द्वारा जो उस आत्मिक माँ का उनके ऊपर है, उसके द्वारा सब कुछ संभव हो पाया और हम बहुत खुश थे। सबको हमने बताया कि लड़का हुआ है और सिस्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब
वो हम हॉस्पिटल से घर आ गए, लड़का बिल्कुल ठीक था बच्चा। तो ऐसे ही मतलब कि जैसे दिन टपते गए, एक दिन दो दिन तो ये ठीक रही, तो उसके बाद फिर इसे वो प्रॉब्लम रह रही थी, मतलब कि वो दोबारा अटैक इसके ऊपर था। फिर वो अटैक इसके ऊपर ना होकर इसके बच्चे के ऊपर होना स्टार्ट हो गया, और इसको वो बिल्कुल दिखाई देता था कि हाँ अटैक हो रहा है। तो ऐसे जैसे ये बोलती थी कि मम्मा मेरे पास बच्चे को मत पढ़ाओ क्योंकि शैतान किसी भी टाइम इसके ऊपर अटैक करेगा। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि ये अगर जो अपनी बेबी के साथ पड़ी है तो शैतान ने उसके गला घोटने की, उसको बच्चे को, बच्चे के गले को दबाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही बोलती थी कि मम्मा मेरे पास बच्चे को मत लेके आओ, कि इनके अंदर से होके ही बोलता था कि मैं इस बच्चे को लेके जाऊँगा, लेने आया और लेके ही जाऊँगा। लेकिन हम फिर भी विश्वास में बने रहते थे, हम उसी टाइम की प्रेयर में लग जाते थे और वचन पढ़ने इसके बैठकर इसके पास बैठते थे और वचन पढ़ने जाते, और चर्च के कॉल सेंटर पे हम कॉल करते थे और उसी टाइम हम प्रेयर करवाते थे कि सिस्टर ऐसे ऐसे करके बात है, आप प्रेयर करो, तो वो प्रेयर कर देती थी। और ऐसा होता था कि ये शांत हो जाती थी, जैसे हम चर्च में जाते थे कि बड़ा छुटकारा मिलने जा रहा है। तो हमने हमारे पास, क्योंकि शैतान का इतना वो हो गया था कि घर में ना बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी थी, फाइनेंस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा, हमारा हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो हम सोच रहे थे कि कैसे क्या करेंगे। तो हमारी जो रिश्तेदार है उन्होंने बोला कि तुम जाओ, किराए वगैरह की टेंशन मत लो, हम सब कुछ कर लेंगे अपनी ओर से। वो इनको लेकर गए, तो उस दिन तो वहाँ पर मेरी सिस्टर का लिए हैंड कार्ड बना 17 नवंबर 2022 को, जैसे मम्मा ने इसके लिए प्रेयर की ले हैंड, शैतान इसके बोला कि हाँ मैं इसके, मम्मा ने पूछा कि क्या कैसे आया तू, किस उससे आया, तो मम्मा ने बोला कि मैं इसकी शादी में इसके साथ आ गया था और इसके बच्चे को लेने आया था। तो मम्मा ने प्रेयर की, मम्मा ने शैतान को डांटा और वो शैतान इसकी, इसको बड़ा छुटकारा मिला और शैतान इसकी बॉडी से निकला, एक्सपोज हुआ और इसने बड़े छुटकारे को पाया। और मतलब ये इसको ऐसे फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर से कुछ निकल कर गया, इसका शरीर जो भारी भारी रहता था इसे बिल्कुल कि बिल्कुल हल्का सा फील हुआ, और अब ये बिल्कुल ही आज़ाद है, फ्री है। अब ये उसी घर में आराम से रहती है, खाती है, पीती है, अकेली रहती है, अपने बच्चे के साथ है, इसका बच्चा बिल्कुल सेफ है। मैं सचमुच में हमारा पूरा परिवार, जब से मतलब मेरी बहन का छुटकारा हुआ है, हम पूरी रीति से प्रभु में हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंद साथ रहते हैं। हम हर एक प्रेयर लाइफ में जुड़ते हैं, हर फास्टिंग में जुड़ते हैं। परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करते हैं इतनी बड़ी आशीष देने के लिए। शायद किसी और के लिए छोटी आशीष होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी आशीष है। मैं इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी बहन भाइयों को, जय मसीह की।